का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग दादा दुली चंद 102 साल, उनको मुर्दा घोषित दिखा दिया गया था और उन्होंने फिर अपनी बारात निकाली थी अपने आप को जिंदा दिखाने के लिए। उसके बाद सैकड़ों लोग निकल के आए कि जिनको मुर्दा घोषित कर रखा था, सैकड़ों विधवाएं ऐसी निकल के आई जिन्होंने ये बताया कि नहीं आपके पति जिंदा हैं। विधवाओं को, बहुत से विकलांग आए, विकलांगों को बताया गया कि ये तो भूतपूर्व सैनिक है। तो इस तरह की बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन को लेके पूरे हरियाणा में बहुत बड़े लेवल पे गड़बड़ हुई। सरकार शुरू में कह रही थी कि ये कुछ 1000-2000 ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं आपको ये सामने एक डाटा मैं पेश करूंगा, आप थोड़ा जरूर उसको ध्यान से देखना। स्टार्टिंग में सरकार ने कहा कि 2000 के करीब लोग हैं, फिर कहा कि करीब 14-15 हजार के करीब लोग हैं। अभी जो प्रेजेंट में अभी तक का है जो रिपोर्ट वो बता रहा हूं मैं आपको, जिनकी पेंशन रोकी गई सरकार ने अभी तक की जो जांच पड़ताल की है उसमें निकला कि 1,75,298 लोगों की पेंशन इस तरह की टेक्निकल गड़बड़ों की वजह से रोक दी गई है। पीपीपी के कारण, जो ये फैमिली आईडी है उसके कारण करीब 1,04,655 लोगों की, डाटे को ध्यान से आप जो मैं बता रहा हूं आप नोट करना प्लीज, रजिस्ट्रार के डाटे के कारण 70,643, ये जो रजिस्ट्रार का डाटा होता है, तो आप सोच सकते हैं कि कितने लोगों की पेंशन रुक रही है। फिर बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है आप लोगों के लिए, 14,691 लोग मुर्दा घोषित कर रखे हैं, 14,691 लोग। ये सरकार का डाटा मेरा नहीं है, ये तो अभी सरकार बता रही है कि अभी इतनी इस तरह की गड़बड़ें हो रही हैं। 18,581 विधवाओं को शादीशुदा दिखाया गया है, 18,581 विधवाओं को कागजों में शादीशुदा दिखाया गया है, हरियाणा की, पूरे हरियाणा की बता रहा हूं आपको। 34,703 लोगों की जो आय है, जिनकी आय है नहीं लेकिन 2 लाख से ज्यादा उनकी आय दिखाई गई है, जिसकी वजह से पेंशन काट दी गई। फिर 33,616 लोग एक्स सर्विसमैन दिखाए गए, 33,616 लोग एक्स सर्विसमैन दिखा रखे हैं, इनमें से 31,448 है ही नहीं रिटायर वो रिकॉर्ड में। फिर 4,500 विकलांग, 4,500 विकलांगों की पूरे हरियाणा में पेंशन रोक दी गई है, उनको फिट दिखा रखा है। ये आपको मोटा मोटा मैंने डाटा ये दिखाया। अच्छा, इसके अलावा 2,204 लोगों को, 2,204 लोगों को सरकारी कर्मचारी दिखाया गया है कि आपकी तो सरकार से पेंशन आती है। ये अभी तक का डाटा, अभी और निकल गया है तो बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन अभी तक का बता रहा हूं आपको। 2,044 जो लाडली योजना थी, लाडली भत्ता पेंशन थी, उनको रोक दिया गया है। ये इतना बड़ा, जो कि शुरू में ये जो कह रहे थे कि 1,200 है, 1,500 है, 2,000 है, ये तो जय हिंद वैसे चला रहा है, ये तो अब सरकार का रिकॉर्ड आ गया है। इतने लोग आप सोच के देखिए, पूरे हरियाणा की मैं आपको ये रिपोर्ट दे रहा हूं, और करीब 60,000, 60 की उम्र से ऊपर होने वाले, जो कि सरकार कह रही थी कि 60 के बाद ऑटोमेटिक पेंशन बनेगी, किसी को कहीं किसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, करीब 2 लाख लोग 60 से उम्र से ज्यादा हो चुके हैं, उनकी पेंशन अटकी पड़ी है। तो करीब ये सारा मिला के अगर हम देखेंगे तो करीब 5 लाख लोगों के साथ, बुजुर्गों के साथ, विधवाओं के साथ, विकलांगों के साथ ये गड़बड़े हो रही हैं। जिंदाओं को मुर्दा दिखाया जा रहा है, मुर्दों को जिंदा दिखा के पेंशनें निकाली जा रही हैं, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला आ गया। जो योग्य है उनकी काट दी अलग अलग तरीके से करके, पीपीपी मॉडल, फैमिली आईडी के नाम से,
और बहुत से लोगों को ये दिखा के कि ये तो जिंदा है, वो मरे हुए, उनकी पेंशन निकाली जा रही है। अभी सरकार ने 30 तारीख तक का, हमने वो बारात निकाली, दादा दुलीचंद ने चंडीगढ़ भी गए, तो सरकार ने अभी निर्णय लिया कि 30 तारीख तक जिसकी भी जो भी गड़बड़े हैं, जिनकी भी पेंशन की गड़बड़े हो रही हैं, उसके लिए सारी पेंशन की जो भी गड़बड़े हैं उसको लेके सरकार पूरा कैंप चला रही है। मैं इस बात में कोई शक नहीं है, सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, आंखें खुल गई उनकी, कान खुल गए, देर आए, दुरुस्त आए, अच्छा काम किया, इसमें नो डाउट। हमें कोई, क्योंकि मेरा कोई पार्टी वार्टी से किसी से कोई मतलब है नहीं, ये सामाजिक आंदोलन की बात है और ये सरकार ने ठीक किया तो हम कह रहे हैं सही बात है। उन्होंने खोल दी, उन्होंने गलती मान ली सरकार ने ना, इसीलिए पूरे हरियाणा के अंदर मैं सबसे नौजवानों से खासकर अपील करूंगा कि जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन अटकी हुई है, डाटा मैंने आपको बता दिया, करीब 5 लाख लोग हैं टोटल, ये सरकार का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है, जिनको, जिनके साथ अलग अलग गड़बड़ियां हो रही हैं, तो जाएं डीसी ऑफिस में, पेंशन ऑफिस जो है वहां पे जाके अपनी अपनी वो दुरुस्त कराएं, क्योंकि सब लोगों को पता नहीं है। और ये दादा दुलीचंद का आदेश है हमारे को तो, भाई बताओ लोगों को भाई अपनी बढ़वा लो। 30 तारीख तक का सरकार ने हमारे से टाइम मांगा था, अगर भाई 30 तारीख तक हम सारी त्रुटियां दूर कर देंगे, 30 तारीख तक लोगों को कहने के लिए हम यही कह रहे हैं, अगर भाई आप जाएं। और इसके साथ साथ ही पीपीपी मॉडल फैमिली आईडी की वजह से एक चीज मैं और आपको बता रहा हूं, हरियाणा के अंदर पिछले 2 साल से एक भी राशन कार्ड नहीं बना है, एक भी राशन कार्ड, गरीब लोग धक्के खा रहे हैं, उनका कोई राशन कार्ड अभी तक नहीं बना, ये मेरी जानकारी है। और मेरे को बहुत से लोगों के अब फोन आ रहे थे कि भाई हमारा राशन कार्ड का भी इशू है, तो ये हिसार के लिए मैं आपको बता देता हूं, ये हिसार के लिए, ये देखो हम तो प्रचार ही कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का भी, ये देखो आप, ये जिला हिसार के लिए पेंशन बनवाने के लिए कॉल नंबर है, सरकारी नंबर है 8307434351। जिला हिसार में अगर किसी को पेंशन की कोई प्रॉब्लम है, ऑफिस जाइए और ये नंबर है, मैं बता रहा हूं। और अगर पेंशन नहीं बनती है 30 तारीख तक, तो ये नंबर भी नोट लिख लीजिए, आप लोगों को पता होगा, ये सरकार के फूफा दादा दुलीचंद, मतलब आप लोगों ने सुना होगा थारा फूफा जिंदा है, तो ये नंबर है 70 27 811 811। ये 70 27 811 811 ये नंबर है, देखो ये तो है सरकार का, मुख्यमंत्री जी का फोटो देखो हम में प्रचार कर रहे हैं, लगा रहे हैं, ये नंबर दे रखा 30 तारीख तक सरकार ने दिया है कि भाई बनवा लो। अगर किसी को कोई समस्या आती है तो फिर यो नंबर है 70 27 811 811, यो फिर मारा नंबर है, दादा दुलीचंद का हेल्पलाइन नंबर है यो। फिर अगर किसी की नहीं बनाएगी तो फिर इस पर होगा। तो इस चीज को लेके हमें अलग अलग जगह पूरे हरियाणा में लोगों को ये बता रहे हैं, और खासकर नौजवानों को ये कह रहे हैं कि भाई अपने दादा रखा, दादा ताऊ चाचा ताई जो भी हैं, उनके लिए ये पेंशन का जो सिस्टम है, इसको अपनी जाके वहाँ पे बनवाइए। बड़े बुजुर्ग बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, और जब मेरे पास ही करीब 700-800 लोगों के फ़ोन आ चुके हैं जो पेंशनों से अलग अलग परेशानी थी, तो मुझे लगता है कि सरकार के पास बहुत से लोग जाएंगे और सरकार इनका काम कर देगी तो बढ़िया है, नहीं तो 30 तारीख के बाद फिर हम अपने तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, ये अपना साथी है सचिन, ये आए हैं सचिन यादव, और ये छात्र नेता हैं, तो इनको धमकी मिली हुई है कहीं से कि भाई मार देंगे, तो ये छात्रों की आवाज़ उठाते हैं, भाई हम इसके साथ हैं, अरे धमकी देने वाला तो हमनू कहें भाई, ये सरकार के लिए लड़ लो, कोई आदमी काम कर रहा है आपस में लड़ने का तो मेरे ख्याल में कोई फायदा नहीं, भाई उसका क्या फायदा होगा बताइए, इसने मार के क्या कर लोगे, क्या फायदा हो जाएगा भाई किसी ने, मैंने तो लगता नहीं कोई फायदा हो जाएगा। जब ये छात्रा की बात ठाण लग रहा, काम करने लग रहा, तो खिलाड़ी रहा है, इंटरनेशनल खिलाड़ी है, तो मैं नौजवानों को ये बात एक और कहना चाहूंगा, ये जो क्राइम है, ये अपराध है, इससे दूर रहो, ये जिंदगी बर्बाद करने के लिए और कुछ नहीं, इसमें जिंदगियां बर्बाद होती हैं,
और सरकार तो ऐसा ही चाहती है, आख नौजवान अपनी आवाज उठाने की बजाय बेरोजगारी की आवाज उठाओ, कट्ठे होकर सरकार से लड़ो, सिस्टम से लड़ो। भगत सिंह तो भाई सरकार तो लड़ा था, सिस्टम से लड़ा था। चंद्रशेखर आजाद तो सरकार और सिस्टम से लड़े थे। तो मैं नौजवान साथियों को यह भी कहना चाहूंगा कि भाई इस अपराध से, इस क्राइम से, इस नशे से इससे दूर रहो मेरे भाई। और ये बिल्कुल सही नहीं है इस तरह सोशल मीडिया पे धमकी देना, ये करना, क्योंकि सब मारणिया भी मरेगा, मरणिया भी मर गया, मारणिया न जेल मरना पड़ा है पूरी उम्र, क्या फायदा है इस क्राइम से। मैं सभी नौजवान साथियों से भी ये कहूँगा, और भाइयों खिलाड़िया हम इस भाई के साथ खड़े हैं क्योंकि आवाज़ उठाता है छात्रों की। और सभी साथियों से मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, लड़ने के लिए हंगा हो रहा है, सरकार के लिए लड़ो यार, सिस्टम के लिए लड़ो। भगत सिंह ने पढ़ो, चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने पढ़ो, वे बताओगे नौजवानों का मतलब क्या होता है। तो साथियों हमारा यही था कि किसान आंदोलन में इसने भाई ने बहुत बढ़िया योगदान कराया, छात्रा के लिए अगला काम करने लग रहा। तो आज का यही था, कोई सवाल है तो बता दी। ये जो पेंशन कटी है 2 लाख लोगों की, पहले इनकी बनी थी? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ महाराज, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पेंशन बनी हुई थी पीपीपी मॉडल फैमिली आईडी के नाम से काट दी गई पेंशन ही। जिंदा लोगों को मुर्दा कर दिया गया, मुर्दे लोगों को जिंदा कर रखा है। बात को समझिए, दोषी कौन है इसके लिए, क्यों काट दी गई? सरकार और सिस्टम, और तो दोषी मैं और आप तो हो नहीं सकते सर। सरकार ये, सरकार का जो सिस्टम है वो दोषी है। और लोग 6-6 महीने एक साल से चक्कर काट रहे हैं, ये नहीं है कि भाई अभी सिस्टम बना है, कोई 10 दिन हुए हैं, 15 दिन हुए हैं, एक एक साल के लोग हैं, 2-2 साल के लोग आए हुए हैं हमारे पास। अगर भाई 2 साल हो गया, बड़ा बुजुर्ग को चक्कर काट के धक्के खा गए बेचारा, वो अपने बैठ जा हुए हैं, क्या करें? आपके राशन कार्ड नहीं बन रहे, इसका कोई तथ्य भी आपके पास है? भाई साहब मेरे पास तो मतलब ये जो हमने मुद्दा उठाया है, इसके बाद इतने फोन आ लिए कि भाई साहब राशन कार्ड नहीं बन रहे आप हमारे राशन कार्ड का। और नहीं, गरीबी वो जो गरीबों वाले, हाँ गरीबों वाले, हाँ नहीं बन रहे, हाँ गरीबी रेखा वाले बता रहे थे, मेरे पास तो फोन आ रहे हैं कि भाई साहब हमारे को ना राशन कार्ड नहीं बन रहे। तो आप ये एक बार वेरीफाई करके देख लेना, वो कह रहे हैं कि वो सरकार के गरीब है ही नहीं, गरीब है ही नहीं सरकार, ये कह रही है गरीब नहीं है, ये तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। गरीब नहीं है तो हम तो चाहते हैं कि अच्छा है कि गरीब ना हो, लेकिन अगर सरकार ग्राउंड पे जाके देखेगी तो पता चल जाएगा गरीब, अब गरीब का क्राइटेरिया सरकार का क्या है मुझे नहीं पता। इसके ऊपर करीब 800-900 कॉल आ चुकी है अभी तक, ये तो सारा हमने, ये आप देख लीजिए कि 10 दिन हुए होंगे जब हम गए थे वहां पे, जब चंडीगढ़ भी गए थे, बारात निकालने के बाद ही हमारे पास जब लोगों के फोन आने लगे कि भाई हमारी ये समस्याएं हैं। तो सवाल ये है कि जब सरकार सिस्टम है, प्रशासन है, उनके पास ना जाके लोग हमारे पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब उनसे भरोसा तो उठ गया है। तो मुझे लगता है भरोसा कायम रहना चाहिए सरकार के प्रति लोगों का। और इस सरकार ने जो ये नंबर दिया है, मैं तो ये नंबर जो दे रखे हैं, मान लो देखो हम तो खट्टर साहब की ऐड कर रहे हैं, अब ये नंबर जारी करा है भाई, इस तरह ना बनती तो फिर ही है, ये दादा दुलीचंद है, इनका फूफा फिर जीवा है ही, कोई प्रॉब्लम है नहीं, हम तो यही बता रहे हैं। देखो प्रचार कर रहे हैं फ्री में, है ना, लेकिन हम तो यही कह रहे हैं 30 तारीख का समय मांगा सरकार ने, हमने 30 तारीख का ही समय दिया हर, उसके बाद अगर नहीं होगा तो फूफा जीवा ही बमरिया नहीं है। अरे तो घड़े फूफा हो रहे हैं आप लोगों को पता होगा। ठीक है सर, अच्छा अच्छा